नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों जिंदगी में खुशियों के नए द्वार खुलेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा मित्रों कि मई महीने के शुरुआती दिनों में इतना बड़ा चमत्कार होगा। पूरे 72 वर्षों के बाद ऐसा महासंयोग बना है, दिनांक 3 मई, 4 मई और 5 मई, इन 3 दिनों में मित्रों बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। चुपचाप वीडियो देखना, किसी को भी मत बताना। मित्रों जो जो राज इस वीडियो में हम खोलेंगे वह बड़े ही गहरे होंगे। अंत तक ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी माँ से प्यार करते हैं सिर्फ वही भक्त लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 3 दिनों में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। मित्रों कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी। लेकिन इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, जिंदगी में किस तरह से खुशियां दस्तक देगी। आइए मित्रों समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर निर्मित की गई है। तो चलिए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं अगले 3 दिनों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेकार की चीजों में अपना समय अपना वक्त जाया ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपको सकारात्मक रहना है। मित्रों निजी या परिवार की किसी परेशानी से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि यह परेशानी आपके जीवन में लंबे समय से बनी हुई थी और आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बता देते हैं कि अपने रूटीन जीवन में भी आपको परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि अब तक जो जैसा चल रहा था आपने चलने दिया है और जीवन में आपने दुख भी बहुत पाया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मित्रों जीवन में कुछ परिवर्तन किए जाएं। आप सकारात्मक व्यवहार मित्रों दूसरों पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आपका सकारात्मक प्रभाव जो है लोगों को आपकी ओर खींचेगा। यात्रा का प्लान आप बना सकते हैं, क्योंकि मित्रों आप काफी समय से एक छोटी सी यात्रा पर जाने की सोच रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वह यात्रा बार बार टल रही थी। तो अब प्लान बना सकते हैं। विवादित मामलों को सुलझाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। विवादित मामले हालांकि धीरे धीरे सुलझ जाएंगे और आपके ऊपर मित्रों हर एक चीज का प्रभाव पड़ेगा। मित्रों जो जातक इस वक्त केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो प्लान बना ले, समय शुभ चल रहा है। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो जो जातक केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो वह कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ अवश्य लिखें। और मित्रों बता देते हैं कि बेहतर होगा किसी अनुभवी इंसान का मार्गदर्शन लें। मित्रों बता देते हैं कि निजी कामों में रुकावट आने से आप थोड़े से उदास हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। निजी काम जो है मित्रों धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और किसी भी निवेश से पहले उसके बारे में अच्छे से विचार कर लें, क्योंकि यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आपकी मेहनत का पैसा है मित्रों। ऐसे इधर उधर कहीं भी निवेश ना करें जब तक आपको अच्छे से ज्ञान ना हो, बात पता ना हो कि यह निवेश कब लाभ देगा और कितना लाभ देगा। एक एक बात समझने के बाद परखने के बाद
आपको निवेश करना है। प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में फायदा हो सकता है। जो जातक दलाली का काम कर रहे हैं उन्हें बता देते हैं कि बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा मित्रों, और नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने के लिए और मेहनत की जरूरत है। घर और बिजनेस दोनों जगह तालमेल बना रहेगा। मित्रों बता देते हैं कि दोनों जगहों पर आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और लव पार्टनर का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। लव पार्टनर के साथ आपको मित्रों अच्छे से रिश्ते मधुर बना कर रखने हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा तो निजी जीवन ऐसे ही मस्त हो जाएगा। मित्रों भविष्य से जुड़ी बातों के बारे में विचार करने से पूरा समय जाया होने की संभावना है। भविष्य से जुड़ी बातों में बाद में विचार कर लेना, फिलहाल आपको वर्तमान पर ध्यान देना है। साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि जो योजनाएं आपके द्वारा बनाई जा रही है उसके लिए अभी सब बातें छोड़ दें और सिर्फ मेहनत करने पर जोर दें। जब तक फैसला ना हो जाए किसी से बात शेयर ना करें, योजनाएं पूरी तरह से गुप्त रखें, और मित्रों करियर की चिंता दूर करने के लिए अनुभवी महिला का साथ आपको मिल सकता है जो आपको नए मौके भी देगा। पार्टनर के द्वारा रिलेशनशिप से संबंधित लिया गया फैसला मित्रों बहुत अनुकूल है। अभी आपको केवल अपने फैसले पर विचार करने की जरूरत है और पेट की जलन थोड़ी सी तकलीफ बढ़ा सकती है। निजी या परिवार की किसी परेशानी से मित्रों आपको राहत मिलेगी। घर की मरम्मत और सजावट से खर्चा ज़्यादा हो सकता है। मित्रों बता देते हैं कि बहुत लंबे समय से आप अपने घर में कुछ नवीनीकरण करवाना चाह रहे थे, तो उसमें वास्तु के नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही आपकी इनकम का एक नया रास्ता भी खुलेगा, एक नया द्वार भी खुलेगा, जिससे आपकी इनकम बहुत बेहतरीन बनेगी। बुजुर्गों का अनुशासन घर में रहेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा। मित्रों परिवार में यदि विवादित स्थिति बनती है तो तुरंत सुलझाने की कोशिश करें। यदि विवादित स्थिति अगर घर परिवार में बन रही है तो आप बैठकर सुलझा लें, और यदि बाहर बन रही है तो थोड़ा सा सावधान रहें, नहीं तो पुलिस कार्रवाई होने की आशंका है। अपने गुस्सेल स्वभाव पर नियंत्रण रखें मित्रों। प्रेतक मामला चल रहा है तो बहुत सावधानी से निपटाएं और स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ध्यान दें। बिजनेस में संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। बिजनेस में जो संबंध है मित्रों वह थोड़े से आपको कठोर नहीं बल्कि सरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संबंध मजबूत बनाएं, ये संबंध आने वाले दिनों में फायदेमंद रहेंगे। मित्रों नौकरी में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव बेहतर होगा और कोई ऐसी बेहतरीन डील होने की संभावना है कि यह डील आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार देगी, चार चांद लगा देगी। परिवार का माहौल सुखद रहेगा। परिवार में ज़्यादा दखल और रोक टोक सदस्यों को नाराज कर सकता है मित्रों, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा रोक टोक बिल्कुल ना करें। सेहत ठीक रहेगी। वाहन चलाते समय लापरवाही ना करें और ना ही किसी तरह का आपको मित्रों रिस्क लेना है। हाल ही में आपके द्वारा जीवन शैली में किए बड़े बदलाव आपके लिए थोड़े से हानिकारक हो सकते हैं। मित्रों जीवन शैली में किए बड़े बदलाव किया गया इसका सकारात्मक नतीजा भी मिलेगा। परिवार के साथ संबंधों में सुधार तो होगा, लेकिन अभी भी आपको पूरी समझने से तरीके के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अभी भी आपको परिवार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं समझ रहा है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। पैसों से संबंधित बातों में खुद को आत्मनिर्भर बनाए रखना जरूरी होगा और किसी के साथ की इच्छा बिल्कुल ना रखें। इस वक्त आपको स्वयं को ही अपनी लड़ाई लड़नी है,
काम की बातों में लचीलापन लाने की जरूरत है मित्रों। टारगेट तभी पूरे होंगे जब आप मेहनत करेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, तो यह गलतफहमी अपने मन से निकाल दे। आपके कारण पार्टनर पर दबाव ना बने, इस बात का खास ध्यान रखें और अपनी सेहत को लेकर गंभीर रहना बहुत जरूरी है। सेहत बिगड़ने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। तो मित्रों, अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़